बाहर वाले कॉलेज में मेरा सत्कार रखे, मेरा स्वागत करे, मेरे को बुलाए, फिर मेरे हर छाती ऐसी धड़कने को लगी कि मैंने बोला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने के काम का हो गया, कुछ तो भी है मेरे में ताकत, वो हिसाब से फिर मैं करते गया। फिर बाद में बोला अपने को जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी तो भी बेच डालेंगे अपन, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझे पूछे कि आपका बच्चा क्या बना, तो मैं बोला सर मुझे वो भी नहीं मालूम, मेरे को इतना मालूम है कि मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बनने वाला है। ये बताइए अब ये सब हालात हो गए उसके बाद ग्रेजुएशन, और दिमाग में कब आया कि मुझे यूपीएससी, मतलब गांव में जैसे आप पले बड़े आपको पता भी नहीं होगा कि यूपीएससी की परीक्षा भी कुछ होती है, तो ये सफर तक कैसे पहुंचे? हमको एक घरकुल योजना मिली थी बीपीएल फैमिली के तहत, तो मेरे पिताजी तहसील ऑफिस में उसका चेक लाने के लिए गए थे। वहां के ऑफिसर ने कहा कि देखो अगर आप मुझे 10% देते हो, 30,000 हमको तक मिल रहे थे, 10% अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपए, तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूंगा फास्ट इमीडिएटली। ऐसे हालात में 3,000 रुपए की रिश्वत उन्होंने उस ऑफिसर को दे दी। तब उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि करप्शन के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरीब लोग होते हैं। फिर 10th की छुट्टियों में हमारे एक क्लास टीचर थे मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के, एमपीएससी के जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला, मैंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज बताइए। फिर उन्होंने मुझे एमपीएससी के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, वहां पर हमारे टीचर थे जो वो भी तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उन्होंने एमपीएससी के बारे में पूछा और फ्लो में उन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा, उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से आईएएस बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, सपने देखने के लिए कौन से पैसे देने, और मेरे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो बड़ा गैम्बल खेले थे, मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूंगा। अंसर कभी जब तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उस दौरान भी तो ये फेज आया होगा कभी कि ये प्रेशर बने कि अब छोड़ो इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं कम से कम अब्बू अम्मी का हाथ बटाएं, ये प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल था। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखे 5-5.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन बाद में खुद से ही मैं पूछता था कि ठीक है मैं ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, छोटी मोटी कहीं नौकरी कर लूंगा उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊंगा, मुझे बड़ा करना है कुछ तो। और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि देखिए मेरे सामने दो ही ऑप्शन थे, डू और डाई, इसमें मुझे करना ही था। और वही रीजन है कि मैं इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21वीं साल की उम्र में ये क्लियर किया हूं क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक मैसेज और है आपके लिए। जब यूपीएससी मेंस का रिजल्ट लगा उस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताया कि तू पास हो गया है। उस शाम हम मिले भी थे, तू बहुत खुश और इमोशनल था, मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था, पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया, पर मेरे लिए यह अवसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक आईएएस ऑफिसर के साथ खाना खाया। उन्नीस फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे इसका फोन आया, कहा अनसार यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहां पर हार्ट बीट बढ़ गए, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता, मैंने कहा ले लो भाई, मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कांग्रेचुलेशंस तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सातवें आसमान पर हूँ, मेरे पैर जमीन पर ही थे लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, पूना में नगाड़े बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीत के लिए बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई, मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया, अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है, उसको ही बिल पे करना पड़ता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार बाहर क्यों जाना, रूम पर ही खा लेते, तो हमने उसके रूम पर ही खाना खाया था। शब नहीं आपकी बातें सुनकर, लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि एक बच्चा कहां से कहां पहुंचा है और अब जल्द ही आपकी नौकरी की शुरुआत होने वाली है। आपको लगता है अंसार आप जहां से आए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, क्या वो आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगी? मैं ये सोचता हूं कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े,
तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊंगा, मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूंगा तो मुझे वो फील आएगा कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ करता था, तो वो फीलिंग आएंगी और मैं उसके लिए काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं और अपनी जिंदगी की कोई एक चीज बदलना चाहें तो क्या हो? मेरी जिंदगी की, मैं चाहूंगा कि मेरा बचपन फिर से आ जाए और मेरे पिताजी उसमें IAS हो। सो जस मुझे तो जब मुझे कोई यूनिफॉर्म ना मिला हो या कोई किताब ना मिली हो तो वो मुझे मिल जाए। कोई एक मैसेज जो आप सब लोगों को, और सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं, जो बहुत सारे लोग टेलीविजन पर आपको देख रहे हैं और उसमें से बहुत सारे IAS की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर IAS बन सकता है जिसने अपनी लाइफ में सारे ऑड्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, और गरीब से गरीब बच्चा भी, और किसी भी मजहब का बच्चा IAS बन सकता है। आप सभी को मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अंसार, और एक तोहफा आपके लिए ताकि आप हमें और हमारे शो को भी याद रखें हमेशा। Oh my God. वाकई आज हम ये कह सकते हैं कि सपनों को जीना उन्हीं को आता है जिनको हर मुश्किल में भी मंजिल नजर आती है। आज के हमारे इन सभी मेहमानों ने जो ख्वाब खुद के लिए बुने थे उसे हासिल करना आसान नहीं था, बार बार गिरने के बाद ये संभले। और आज इन सभी की कहानियां लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो सपने देखने से नहीं कतराते, जो मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, जिनके ख्वाबों के आड़े गरीबी नहीं आती, जो किस्मत बदलना और मजबूरियों को हराना जानते हैं। और हाँ, अगर आप इन जैसे किसी होनहार बच्चे को जानते हैं ना, तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा, उसका सपना पूरा करने में भागीदार जरूर बनिएगा, अच्छा लगेगा।